नई सुबह ऑडियो कॉलम सर्विस में खुश आमदीद। रोजनामा जंग से कॉलम पेश है सेहत कार्ड, खैबर पख्तूनख्वा और पंजाब। कॉलम निगार है नासिर सलमान और आवाज़ है नादिया सबा की। अगर आप नई सुबह की ऑडियो लाइब्रेरी से मुस्तफीद होना चाहते हैं या फिर हमारे साथ वॉलंटियर करना चाहते हैं तो विजिट कीजिए हमारी वेबसाइट www.naisubah.org naisubah.org। सेहत कार्ड पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हकूमत का फ्लैगशिप प्रोग्राम है जो पाकिस्तान की तारीख में हकूमतों की तरफ से अवाम को सहूलत फराहम करने के बाब में अपनी मिसाल आप है और इलाज मुआलजे की ये सहूलत पंजाब के हर शहरी के लिए यकसा तौर पर मुतारिफ करवाई गई है और सेहत कार्ड की अदम दस्तयाबी की सूरत में कौमी शनाख्ती कार्ड को सेहत कार्ड के तौर पर इस्तेमाल किया जा सकता है। पंजाब का रिहायशी कोई भी ख़ानदान अब एक साल में मजमूई तौर पर 10 लाख रुपए की खतीर रकम खुद पर या अपने ख़ानदान के अफराद के इलाज मुआलजा के लिए इस्तेमाल करने का इस्तेहकाक रखता है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हकूमत इस हवाले से 3 बरसों में तकरीबन 462 अरब रुपए खर्च करेगी। खैबर पख्तूनख्वा में सेहत कार्ड की ये सहूलत बड़ी कामयाबी से अवाम को फराहम की जा रही है और अब तक अरबों रुपए इस मद में स्टेट लाइफ इंश्योरेंस कॉरपोरेशन और प्राइवेट हस्पतालों को अदा किए गए हैं। खैबर पख्तूनख्वा में 46 गवर्नमेंट और 127 निजी हस्पताल इस स्कीम के तहत रजिस्टर हैं और अवाम की कसीर तादाद ने निजी हस्पतालों से अपना इलाज करवाया है और सरकारी हस्पतालों में अवाम का जो हुजूम हमा वक्त दिखाई देता था उसमें भी कमी देखने में आई और अवाम भी अपने इलाज मुआलजे में इन सहूलतों से फ़ायदा उठाते दिखाई दे रहे हैं जो इससे पहले सिर्फ अहले सरवत अफराद का मुकद्दर थी। खैबर पख्तूनख्वा की गवर्नमेंट ने सेहत कार्ड की सहूलत सितंबर 2016 में शुरू की थी और अब तक तकरीबन 110 अरब रुपए की खतीर रकम इस सिलसिले में खर्च की गई है। 2018 में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हकूमत ने इस सूबे में 2/3 अक्सरियत हासिल की थी और इस कामयाबी में सेहत कार्ड की फराहमी ने कलीदी किरदार अदा किया था। पंजाब में मार्च तक तमाम 36 अज़ला में ये सहूलत अवाम के लिए दस्तयाब होगी और मुबस्सरीन इसे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हकूमत की एक बड़ी कामयाबी मान रहे हैं। सहूलत कार्ड सेहत के मैदान में होने वाली मुमकिन सरमायाकारी के लिए एक अहम किरदार अदा कर सकता है क्योंकि निजी शोबा में निजी हस्पताल और डिस्पेंसरियों का एक जाल बिछने जा रहा है क्योंकि सिर्फ निजी शोबा सरमायाकारों के लिए बायस कशिश रहा है जिसकी वजह ये है कि सरकारी शोबा में जदीद रुझानात का फुकदान और सुर्ख फीते का रिवाज पाकिस्तानी माशरे की जबूं हाली की बुनियादी वजह है। पंजाब के दूर दराज के देहात में मयारी इलाज मुआलजा की अदम दस्तयाबी से सरकारी हस्पतालों में मरीजों की एक बड़ी तादाद इंतहाई नागुफ्ता बेहालत में एक बिस्तर में 2 से 3 मरीजों की सूरत में दिखाई देती थी लेकिन अब बेहतरी की एक किरण दिखाई दी है क्योंकि क़याम पाकिस्तान से अब तक सेहत का शोबा शदीद तनज़ुली का शिकार हुआ और ये तनज़ुली दूसरे शोबों की तरह शोबा सेहत में भी आम थी जबकि महज़ब माशरों में ये तनज़ुली शाज़ो नादिर ही दिखाई देती है। पाकिस्तान में अदम सियासी इस्तेहकाम की वजह से हमेशा बड़े बड़े मंसूबे अपनी तकमील से पहले ही सर्द खाने का शिकार हो जाते हैं लेकिन बड़े मौशी बहरान के बावजूद अवाम की फलाह के इस मंसूबे ने अवाम की कसीर तादाद की जिंदगियों में खुशी की एक लहर दौड़ा दी है। इसमें कोई शक नहीं कि अवाम की कसीर तादाद को इस सहूलत के मुतालिक मुकम्मल आगाही देना हकूमत के लिए एक अहम चैलेंज होगा। साथ ही साथ कुछ हलके इस मंसूबे की अफादियत के हवाले से मुख्तलिफ सवालात भी उठा रहे हैं कि इस प्रोग्राम की वजह से सरकारी हस्पतालों के फंड्स मजीद कम किए जाएंगे और सरकारी शोबा में डॉक्टरों और पैरामेडिकल स्टाफ की अदम दस्तयाबी से अवाम की बड़ी तादाद मुश्किलात का शिकार हो सकती है और साथ ही साथ ये खदशा भी जाहिर किया जा रहा है कि आम मरीज इस सारे मामले में इंश्योरेंस कंपनी और निजी हस्पताल की इंतजामिया के दरमियान में एक सैंडविच किसी कैफियत का शिकार हो सकता है। बहरहाल जितने मुँह उतनी बातें, कोई भी मंसूबा शुरू में किसी कमी का शिकार हो सकता है लेकिन वक्त गुजरने के साथ इसमें बेहतरी और इस्लाह के मौके भी मौजूद होते हैं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हकूमत ने 207 अरब रुपए एहसास प्रोग्राम की मद में रखे हैं और 120 अरब रुपए महंगाई के हवाले से 50,000 रुपए से कम आमदन वाले खानदानों के लिए मुख्तस किए गए हैं।
ये तमाम प्रोग्राम्स दर हकीकत एक फलाही ममलिकत का पेश खैमा है, क्योंकि रियासती वसाइल का इस्तेमाल पाकिस्तान की गरीब और महकूम आवाम का बुनियादी हक है, और पहली दफा इन वसाइल का रुख रियासत के कमजोर तबकों की तरफ मोड़ना न सिर्फ मुल्क के इस्तेहकाम के लिए बेहद जरूरी था, बल्कि आइन के आर्टिकल 9 के मुताबिक जो हकूक अवाम को मुहैया करना रियासत की जिम्मेदारी है उनको अदा करने में अब मजीद ताखीर नहीं करनी चाहिए। खैबर पख्तूनख्वा की गवर्नमेंट ने सेहत कार्ड की सहूलत का दायरा कार बढ़ाते हुए मीडिया को बताया है कि सूबे में इस सिलसिले में थर्ड पार्टी ऑडिट का अहतमाम किया जा रहा है, ताकि इस सिलसिले में मजीद बेहतरी की गुंजाइश के हवाले से काम किया जा सके और मामलात को शफाफ रखा जा सके, और इस सिलसिले में आउटडोर के मरीजों के इलाज की सहूलत को भी सेहत कार्ड की स्कीम में शामिल किया जा सके, और इस सिलसिले में हुकूमत एक सेहत एक्ट के तहत इसको कानूनी हैसियत देने जा रही है, ताकि आइंदा आने वाली हुकूमतें सियासी तरजीहात की बुनियाद पर इस प्रोग्राम को बंद ना कर सकें। पंजाब में वजीर आजम इमरान खान के विजन के मुताबिक सेहत कार्ड का इजरा वजीर आला उस्मान बुजदार की अहम कामयाबी तसव्वुर की जा रही है, और अब सरकारी हस्पतालों की तामीर और तरवीज के साथ ही निजी शोबा में हस्पतालों की तामीर को एक खामोश इनकलाब अगर मान लिया जाए तो ये रियासत मदीना के इस्लामी फलाही फलसफा को अमली जामा पहनाने की तरफ पहला कदम होगा, और ये पाकिस्तानियों का हक है कि वो रियासती वसाइल का इस्तेमाल अपनी ज़िंदगी में बेहतरी लाने के लिए करें और एक बावकार कौम का हिस्सा होने पर फख्र महसूस करें। ये मालूमाती मवाद नई सुबह की जानिब से पेश किया गया। अपनी आरा के इजहार के लिए कमेंट कीजिए या डिस्क्रिप्शन में दिए गए राब्ते के ज़राए इस्तेमाल कीजिए।